आप सभी लोगों का हमारी शमाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फ्लॉक्स फ्लावर जो होते हैं उसकी वैरायटी दिखाएंगी जो मेरे पास है, और कुछ उसके बारे में जानकारी भी दे देंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये नंबर वन दिखा रही हूँ, स्टार की तरह है फ्लॉक्स फ्लावर। इसमें अब कई वैरायटी आ रहे हैं, जो मैंने ये पहली बार वैरायटी लगाई हुई है। मैं इसके पूरे सीड्स पैक लेके आई थी। और देखिए, सेकंड नंबर ये वैरायटी है जो थोड़ा सा बड़ा फूल होता है और कट उसमें लगे होते हैं, बहुत प्यारी खुशबू भी आती है। एक वैरायटी ये देखिए। आज कोशिश करूँगे अपने प्लांट, अपने हमारे जो हमारे पास अभी वैरायटियाँ हैं उनके बारे में दिखाने के लिए। और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी में, पहले तो छोटी सी वैरायटी रहती थी, अब बहुत अच्छी वैरायटी आने लगी। ये सब ग्रो किए जाते हैं सीड से, और स्मेल इतनी बेहतरीन होती है, इतनी खुशबूदार होती है फ्लावर। और ये देखिए, ये तो सभी नॉर्मल सब जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैरायटी अच्छी फेमस है। और डिफरेंट कलर होते हैं, अब इसमें येलो कलर में भी आने लगा है, वाइट भी मैं आपको दिखाऊँगी, और ये कट वाले भी बहुत प्यारे लगते हैं। एक देखिए लाइट पिंक में है, और जो कई कलर में रेड में है। एक देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए कितने ढेर सारे, और बहुत हार्डी प्लांट हैं ये। प्लांट्स आपको इजीली, आप जब भी इनको ग्रो करें तो इनके ग्रो करने का टाइमिंग अक्टूबर में, आप इनको ग्रो कर लेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये फ्लावरिंग आपको देंगे। ये रेड में है, देख रहे ना कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए पिंक कलर में है, और ये देख रहे हैं कई कलर हैं, कई पॉट में मैंने लगा रखे हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत प्यारे प्यारे। मैं अपने टेरेस का भी आपको दिखाऊंगी, उस पर भी जो मैंने छोटे छोटे पॉटों में, बड़े पॉटों में कि इतने सारे प्लांट हो गए थे, इतने सारे प्लांट हो जाते हैं जब आप सीड्स ग्रो करेंगे। नॉर्मल ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे, और कई वैरायटी बहुत कम मिल पाती। मैं दो पैकेट लेके आई थी, और एक वैरायटी देखिए ये भी मेरे यहाँ लगे, कितने ज़बरदस्त लगे हुए टेरेस पर लगे हुए हैं। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगते हैं, बहुत कम खर्चा मांगते हैं, समझ लीजिए बहुत कम केयर मांगते हैं। इनके हैंगिंग बास्केट में भी इजीली लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत पॉट बनेगा, और बहुत हार्डी प्लांट है। इनको मैं फुल सनलाइट में रहते हैं वो, और देखिए फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करे। छोटे से पॉट में भी मैंने लगाए हुए, बड़े से भी पॉट में लगे हुए हैं, और बहुत ईजिली लग जाते हैं। खूबसूरत फूलों के लिए आपको मैंने लगाने का टाइमिंग बता दी। जो हम सॉइल यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसके लिए जो हम सॉइल यूज करेंगे, 40% हम गार्डन मिट्टी ले लेंगे, और 30% इसमें हम कंपोस्ट खाद या काउडंक, ये आपके पास हो, कोई भी आपके पास खाद हो वो ऐड कर लीजिए। और उसमें आप क्या करेंगे, नीम खली या राख जरूर याद रखिया करिए, जिससे आपकी प्लांट की मिट्टी बहुत अच्छी बन जाए। इतनी सारे सॉफ्ट जब मिट्टी होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, तो समझ लीजिए आपका प्लांट जो भी आप लगाना चाहें वो प्लांट बहुत ईजिली सक्सेस हो जाता है। कि मैंने जब इनकी सीड्स लगाए थे, तो मैंने सीड्स जब भी आप लगाएं तो जैसे 50% आप रिवर सेंट ले लीजिए, 50% आप गार्डन मिट्टी लीजिए, उसमें सीड्स लगाइए, सीड्स लगाने के बाद फिर रिपोर्ट कीजिए दूसरे पॉट में। तो ये देख रहे हैं ना, इतने सारे प्लांट हो गए, तो मैंने दूसरे पौधों में भी, दूसरे प्लांटों में भी प्लांट लगा दिए थे, तो इतने सारे हो जाते हैं और गमले कम पड़ जाते हैं, तो इधर उधर मुझे शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा है। एक मैं आपको वाइट कलर का दिखाऊंगी, और पिंचिंग का जरूर ख्याल रखते रहिए। अगर पिंचिंग आप अपने प्लांट में करते रहेंगे, तो देखिए ये वाइट कलर की छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और पिंचिंग अगर करते रहेंगे तो ना आपने फ्लावरिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है, खूबसूरत आपको ये फूल मिलेंगे। तो इन फूलों को घर में एंजॉय करने के लिए, और ऐसी जगह रखिए कि विंडो के पास रखिए, ये कहीं भी टेरेस पे आप रखना चाहें या ग्राउंड में रखना चाहें, तो इनके आसपास बैठें और फिर देखिए स्मेल कितनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। फुल सनलाइट में रखिए, पानी का ख्याल रखिए, पानी इसमें मिट्टी हल्की सी ड्राई हो, फिर वाटरिंग करते रहिए। पानी अगर टाइम से डालते रहेंगे, खाद अच्छे से देते रहेंगे, तो फ्लावरिंग आपके घर में बहुत प्यारे लगने वाली है। तो छोटा सा ये वीडियो आप सबके लिए। और लिपके फर्टिलाइज़र हर 20 दिन में इनमें एक बार देते रहिए, खाद आप एक बार जो बनाते उसी में बहुत अच्छी पर्याप्त होती है, तो लिपके फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में देते रहिए, तो इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको मिलने वाली है, और खूबसूरत आपका गार्डन लगा। आपने देख लिया कितनी वैरायटी मेरे पास ये फ्लॉक्स फ्लावर की है। तो हर वैरायटी में आप नर्सरी से भी परचेस करके ला सकते हैं, इसकी सीड्स भी लगा सकते हैं। अगर इसके बारे में आप इतनी ज़्यादा जानकारी होती है कि इतनी खुशबू अच्छी होती है, इतने प्यारे ग्राउंड में भी आप इजीली लगा सकते हैं इन प्लांटों को, ग्राउंड को सजाने के लिए, किसी चीज़ को कवर करने के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए। देखिए पॉट देख रहे हैं आप, ये मेरे कम से कम 8-8 9-9 इंच के पॉट हो या 10 इंच के पॉट में ये लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे सर्वाइव। एक प्लांट मैंने एक पॉट में लगाया है, और ग्रोथ देख रहे हैं कितनी प्यारी है।
तो इतनी अच्छी ग्रोथ, इतने प्यारे प्यारे फूल लेने के लिए आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, और फिर समझ लीजिए कोई ज़्यादा केयर करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और बहुत ईजिली आपके यहाँ ये सर्वाइव करते रहेंगे और बेहतरीन फूल आपको मिलते रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। आशा करती हूँ आपके भी गार्डन फूलों से भरे रहें और बहुत बहुत सबको